हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर सिक्स ओके पार्ट टू व्हाट मेक्स मी सरवजीत सरजीत सेस क्या बोलता है देखो सरवजीत व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ ओके व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट वी मी वेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ यानि बोलते हैं कि जब मैं आ, सच बोल रहा हूँ तो उस वक्त आ, जो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं बिलीव नहीं करते उस वक्त मुझे बहुत गु़सा लगता है फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टेल माई टीचर दट आई कोडन टू माई होम वर्क बिकॉज रॉबी बरोड माई बुक एंड फॉर गट टू रिटर्न इट ओके वो बोलते हैं कि इफ आई टेल माई टीचर अगर भी मैं अपने टीचर से बोलता हूँ कि आई आई कुड टू माई होमवर्क बिकॉज रबी बरोट माई बुक एंड फॉर गट टू रिटर्न इट अगर तो मैं टीचर को बोलता हूँ कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि रबी जो है वो मेरा बुक ले लिया है और वो अभी रिटर्न करना भूल गया है ठीक है ऐसी कि इस कारण की वजह से मैं होमवर्क नहीं कर पाया और आई टेल माई पेरेंट्स दट इट वॉज नाट मी बट माई लिटिल ब्रदर्स हुटार्टेड द फाइव अगर तो मैं अपने पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि आ, मेरा और मेरा भाई यानी छोटा भाई का अगर फाइट होता है तो उनमें से अगर दी मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ कि नहीं मम्मी कि मेरा इसमें मेरा कोई गलती नहीं है मेरा भाई जो है वो पहले स्टार्ट किया है तो वो लोग मुझे विश्वास नहीं करते और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इवन इफ आई हैव गट बैड मार्क ओके okay, तो अगर तो मैं टीचर को ये भी बोलता हूँ कि कभी कभार इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गट बैड मार्क्स बोले कि मैं अच्छा गंदा मार्क तो लाया हूँ ज़रूर लेकिन मैं टेस्ट के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर किया था ओके दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज ये सारे बातें अगर कि मैं उनको बोलता हूँ तो वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं और उस वक्त मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं सच में झूठ बोल रहा हूँ ठीक है तो उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता है द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी और उसी प्रकार उनका जो लुक है जो डिसबिलीव वाला लुक है वो मुझ पर जिस तरह से देखते हैं तो मैं उन पर बहुत गु़स्सा मुझे आ जाता है ठीक है तो ऐसी बातें देखकर उनकी ऐसी चेहरा देखकर ऐसा लुक्स देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शोज शूस एंड काउंट टू टेन सो दैट आई डू नॉट शो वाट आई एम एंग्री ओके जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो कभी कभार मैं क्या करता हूँ ना अपनी शूज अपना चेहरा डाउन करके अपने शूज को देखता हूँ ओके okay, और काउंट करता हूँ वन से लेकर टेन तक मैं काउंट करता हूँ जिस कारण के वजह से मैं आ, उनको पता नहीं चल पाएगा कि मैं गुस्से में हूँ तो इस तरह से मुझे गुस्सा आता है और ये सब कौन बोल रहा है ये सब सर्वजीत बोल रहा है ओके नाउ डोलमा ईसाई अब डोलमा क्या बोलता है डोलमा सेंस व्हेन आई ग्रो अप ओके आई एम गोइंग टू बी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डोलमा बोलती है जब मैं बड़ी होंगी तो मैं क्या बनूंगी ना इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनूंगी पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट ओके जब ये बात मैं किसी को बोलती हूँ तो वो लोग मुझ पर हंसते हैं ठीक है अगर दी आप भी किसी को अगर बोलोगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ तो आपके फ्रेंड्स लोग हंसेंगे बट यहाँ पे डोलमा बोलती है कि लोग हंसते भले ही हैं लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैं ज़रूर एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनोगी ठीक है एवरी वन मैन एवरी वन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू वेन दे हैव ए प्रॉब्लम एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी वैन समथिंग नीड्स टू बी डॉन इन स्कूल ओके तो दैट मीन्स एवरी वन इन माई क्लास आस्क मी मेरे क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं उनमें से हर एक बच्चे मुझे ये पूछते हैं व्हाट टू डू हु वाट टू डू वेन दे हाफ ए प्रॉब्लम यानी जब उनका कोई प्रॉब्लम होता है जब मुश्किल होती है जब कोई ट्रबल में फंस जाते हैं तो वो लोग मैने हर एक बच्चा मुझ मुझे आकर पूछते हैं ठीक है जे हमें क्या करना है एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी वैन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल और मेरे जो टीचर भी है मुझ पर हमेशा विश्वास करती हैं क्योंकि स्कूल में अगर कुछ होना है तो मुझ पर ही ज़्यादा विश्वास करती है वो मुझे काम देती है ठीक है आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन मैं हर किसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ करना चाहता हूँ ठीक है अच्छी चीज़ करनी करना चाहती हूँ सो आई वन टू आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स और वो क्या बोलना चाहती हैं ना वो बोलना चाहती हैं कि मैं हम सब के लिए हमें गुड हॉस्पिटल्स बनाना है अच्छा अच्छा हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ रोड्स बनाना चाहती हूँ और अच्छे अच्छे स्कूल बनाना चाहती हूँ आई वैंट टू मेक श्योर दैट देर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज एंड सेंड आपेस शिफ्ट टू द मार्स ओके और ये भी आ, कहना चाहती हैं कि वो एक आ, श्योर होना चाहती है कि आ, हमारे कंट्री में एक अच्छे अच्छे साइंटिस्ट है कि नहीं अगर नहीं है तो उसके लिए अच्छे अच्छे साइंटिस्ट रखना चाहती हैं और बाकी ताकि वो क्या करेंगे ना अच्छे अच्छे जो डिजीज होती है नया नया डिजीज नया नया बीमारी होती है उनका इलाज कर सके और मार्स के लिए स्पेसशिप बना सकते हैं यानी मार्स तक जाने के लिए स्पेस तैयार कर सकते हैं ठीक है ठेके? तो इस तरह से डोलमा की थिंकिंग है डोलमा से डोलमा बोलती है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह वो पूरी कंट्री की सेवा करना चाहती है ठीक है नेक्स्ट पीटर माय फेवरेट डे इज़ द सेकेंड डे ऑफ एवरी मंथ पीटर यहाँ पे बोलती है उनका फेवरेट डे होती है सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ यानी हर एक महीने का सेकेंड संडे जो होता है वो पीटर का फेवरेट डे है ऑन दिस डे और होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी एफ एम और उसी दिन उनकी पूरी परिवार रेडी होते हैं और सिनेमा हॉल जाने के लिए तैयार होते हैं और सिनेमा हॉल जाते हैं माई फादर गेट्स द टिकेट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ हस माई ग्रैंड मदर माई ग्रैंड पेरेंट माई पेरेंट्स एंड माई टू ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर इन द इंटरवल ओके तो उसके बाद क्या करते हैं ना ये बोलता है कि उसके पापा जो हैं वो एडवांस में टिकट ले लेते हैं ओके okay, और उसके जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ठीक है और उनके पेरेंट्स जो होते हैं और उनके दो ब्रदर है ओके माइन टू ब्रदर्स एंड आई यानी तीन बच्चे ठीक है उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स और ये तीन भाई जो है टेक द बॉस देर वहां पर जाने के लिए वो बस लेते हैं ठीक है इन द इंटरवल माई फादर बाइस ऑस पी एंड आई लव टू सीट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म वो बोलते हैं जो मूवी चालू होती है तो इंटरवल में उनके पापा जो है वो पीनट लेके आते हैं पीनट बिन से आपको पता है पटना का जो आता है खाने के लिए नट्स होती है तो वो लेके आते हैं और वो फिर ये बोलता है कि आई लव टू सी इट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म यानी सिनेमा हॉल में जो अंधेरे में बैठकर ओके खाना और मूवी देखना उसको बहुत पसंद है ठीक है आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम ओके आफ्टर वर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम फिर बोलते हैं कि आ आ फिर ये मूवी ख़त्म होने के बाद वो क्या करते हैं ना आइसक्रीम खाने के लिए वहाँ पे रुकते हैं आइसक्रीम के पास जाकर रुक जाते हैं एवरी वन इज़ इन गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच हैप्पी फैमिली और उनके परिवार ये बोलता है कि उनकी फैमिली में सब अच्छे मूड में होते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा एक अच्छी फैमिली है तो ये जितने सारे चीज़ें हैं वो सब हमने पढ़ा वो सब अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन डिफरेंट टाइप ऑफ चाइल्ड सेस शेयर्स देयर फीलिंग्स वो अपने अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए इस चैप्टर में हमने पढ़ाई किया आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर परफेक्टली एंड नाउ यू विल हैव टू रीड okay at your home again and again and find out question answer from the test book okay